Hello viewers, welcome to our channel. तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आजकल लड़की हो या लड़का, हर कोई है गोरे रंग का दीवाना, जिसके लिए वो हजारों रुपए कॉस्मेटिक्स और पार्लर पर जाया करते हैं। ये केमिकल प्रोडक्ट्स आपको सिर्फ वक्ती फायदा देती हैं, मगर बाद में आपकी स्किन को बहुत खराब कर देती हैं। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए होम मेड वाइटनिंग मास्क, जो आपको ना सिर्फ वक्त ही निखार देगा बल्कि आपकी स्किन को कुदरती तौर पर खूबसूरत बनाएगा, क्योंकि ये कुदरती अज्जा से तैयार किया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपकी स्किन को कई सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करें और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज ना भूलें। वाइटनिंग मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए एक अंडे की जर्दी, दही 1.5 चम्मच, चावल का आटा 1.5 चम्मच, शहद 1.5 चम्मच। सबसे पहले इन सब चीजों को मिक्स करें। मास्क लगाने से पहले अपना चेहरा अच्छी तरह से वॉश करें, फिर इस मिक्सचर को अपने चेहरे, हाथ और पांव पर लगाएं। जब मास्क ड्राई हो जाए तो इसे वॉश करें। ये मास्क सिर्फ चेहरे के लिए नहीं, बल्कि आपके हाथ और पांव का रंग भी गोरा करता है। ये मास्क आपको वाइटनिंग और टाइटनिंग दोनों इफेक्ट देता है। सिर्फ 5 ही मिनट में आपका रंग साफ और निखरा निखरा हो जाएगा। इस मास्क में शामिल चावल का आटा आपकी स्किन को स्क्रब करेगा और आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा। दही आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर देगा और शहद से आ जाएगी आपकी स्किन पे एक शाइन। कुछ ही दिनों में आप अपनी स्किन में वाजिब फर्क को महसूस करेंगे। तो दोस्तों, इस रेमेडी को जरूर अप्लाई करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं इसका रिजल्ट। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। शुक्रिया।